फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड अमित कपूर। गाइस, आज मैं जिस प्लैनेट के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, वो प्लैनेट हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अगर किसी के बर्थ चार्ट में प्लैनेट एक पावरफुल पोजीशन में हो, एक अच्छे हाउस में हो, एक अच्छे साइन में हो, तो ऐसे पर्सन के अंदर नॉलेज की, विजडम की, इनर पीस की, इंटरनल पीस की कमी नहीं होती। आप कितना ज़्यादा लाइफ में सक्सेस होगे, आपकी अचीवमेंट्स कितनी होंगी, आपका नेटवर्किंग सिस्टम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सोशल सर्कल आपका कितना ज़्यादा वाइल्ड होगा, फ्रेंड्स कितने ज़्यादा हेल्पिंग होंगे, फ्रेंड्स कितने ज़्यादा आपके होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, आपकी लाइफ में आपकी शादी कब होगी, आपके घर में बेबी कब बॉर्न होगा, ये सारे चीज़ें आपकी लाइफ से रिलेटेड एक्सपेंशन और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर ट्रांजिट में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। 5th नवंबर 2019 से लेकर नेक्स्ट 13 मंथ तक जुपिटर अपना साइन चेंज करने वाले हैं सजिटेरियस साइन में। आई रिपीट दिस, फ्रॉम 5th नवंबर 2019 टू नेक्स्ट 13 मंथ जुपिटर विल बी ट्रांजिट इन सजिटेरियस साइन में, जो कि जुपिटर का ऑन साइन है। तो बहुत से असेंडेंस और मून साइन के लिए ये बहुत ही एडवांटेज वाला पीरियड शुरू हो रहा है। तो आज मैं आपको जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं जुपिटर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जुपिटर ट्रांजिट में एक जॉडिक साइन को क्रॉस करने में 13 मंथ का समय लेते हैं। जुपिटर हर साल 3 से 4 महीनों के लिए रेट्रोग्रेड होते हैं। जुपिटर आपके हॉरोस्कोप में आपकी सक्सेस को इंडिकेट करते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर एक अच्छे हाउस में है और ट्रांजिट के जुपिटर के साथ एक उनका अच्छा रिलेशन बन रहा है और आपके ऊपर गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो जुपिटर की दशा या जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स लेकर आता है। सैजिटेरियस और पाइसिस जुपिटर के ऑन साइन हैं। कैंसर साइन में जुपिटर एग्जाल्टेड होते हैं। कैप्रिकॉर्न साइन में जुपिटर डेबिलिटेटेड होते हैं। जुपिटर का आपके हॉरोस्कोप में और ट्रांजिट के जुपिटर के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन अगर हो, तो गाइस लाइफ में बहुत ज़्यादा राइजिंग रहती है, और उन 13 महीनों में तो खास करके राइजिंग रहती है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जुपिटर का सजिटेरियस साइन में ट्रांजिट फ्रॉम 5th नवंबर 2019। मेरी ये प्रडिक्शंस असेंडेंस पे बेस्ड हैं, लेकिन आप मून साइन को भी माइंड में रखकर इसको सुन सकते हो। अगर आप मून साइंस को माइंड में रख के सुनेंगे तो 60-70% इस प्रडिक्शंस आप पे अप्लाई होंगी। अगर आप असेंडेंस को बेस्ड बनाकर सुनेंगे तो ये 90% आपके ऊपर अप्लाई होंगी। तो स्टार्ट करते हैं एरिस असेंडेंस और मून साइन से। एरिस असेंडेंस और मून साइन के लिए जुपिटर का ट्रांजिट आपके असेंडेंस या मून साइन से 9th हाउस में हो रहा है सजिटेरियस साइन में फ्रॉम 5th नवंबर 2019 टू नेक्स्ट 13 मंथ। गाइस, आपके लिए फॉर्चून आपका फेवर में होने वाला है। फॉरेन जर्नीज होने वाली हैं, फॉरेन रिलेटेड बिजनेस होने वाला है, फॉरेन सेटलमेंट होने वाली है। जो लोग फॉरेन स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट बहुत हेल्पफुल है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट बहुत हेल्पफुल है। आपके असेंडेंस से 9th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट होना आपकी लाइफ में 4 चांद लगाने वाला है। भाग्य यानी फॉर्चून आपका फेवर में होगा। आप मिट्टी में हाथ डालेंगे, सोना होगा। आपकी सेविंग में राइज होगी। फादर से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। 2020 में जुपिटर आपके असेंडेंस से 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे और सैटर्न आपके असेंडेंस से 10th हाउस में ऑन साइन में ट्रांजिट करेंगे। क्या कॉम्बिनेशन है! आपका प्रोफेशन और आपका भाग्य, यानी कि आपका बिजनेस लाइमलाइट में रहेगा और किस्मत से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको नॉक करेंगी। रिलीजियस यात्रा यानी कि धार्मिक यात्राओं पे आप जाएंगे। साल में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा धर्म से जुड़ेंगे। आपका दिमाग ज्ञान की ओर बहुत लगेगा। आपके अंदर बड़ी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। फॉरेन जर्नी सक्सेसफुल रहेंगी, मल्टीपल्स फॉरेन जर्नीज रहेंगी। फॉरेन टाई अप्स होने वाले हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होने वाली हैं, फॉरेन से रिलेटेड बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जो लोग अनमैरिड हैं, जुपिटर का यहाँ पर ट्रांजिट उनके लिए उनकी शादी के योगों को तेज करेगा, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर अपने ऑन साइन में है और उनका पंचम आस्पेक्ट यानी 5th आस्पेक्ट आपके असेंडेंस पे है। तो गाइस, जुपिटर का आपके लगन पे, असेंडेंस पे या 7th हाउस पे जब भी आस्पेक्ट होगा, आपके लिए शादी के योग बनाएगा। आपके असेंडेंस से और आपके मून साइन से जुपिटर का 9th हाउस में ट्रांजिट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, रिवार्ड, पोजीशन लेकर आ रहा है। जो काम आपके पिछले 1 साल से रुके पड़े थे वो अब क्लिक होंगे। जो प्लानिंग्स आप बनाकर बैठे हुए थे पिछले 1 साल से वो अब क्लिक होंगी। फॉर्चून आपके फेवर में होगा। जो करना चाह रहे हो आपको सक्सेस मिलेगी। आपके फ्रेंड्स, आपके नियर डियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग इस ट्रांजिट में साबित होंगे। सो गाइस, एरिस असेंडेंस और एरिस मून साइन आपके लिए टाइम अचीवमेंट्स वाला है, फेम और प्रॉस्पेरिटी वाला है। जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, सक्सेस उतना ज़्यादा आपके कदम चुमेगी। नो मोर अबाउट दिस जुपिटर ट्रांजिट इन सैजिटेरियस, विजिट माई वेबसाइट www.akastrology.com
एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो. थैंक यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद.